इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये एक्सप्लेन करूंगा मैं कि कैसे फीडबैक अपने सीएमएस पे कंडक्ट करना है। उस पर्पज़ के लिए यहाँ पे एक आइकॉन फीडबैक का बना हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और जो फीडबैक का यूज़र नेम आप लोगों को शेयर किया जा चुका है आपने वो वाला जो है वो एंटर करना है। मेरे पास जो मेरे कैंपस का है मैं वो लॉग इन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लॉग इन कर लेंगे, अभी विंडो ओपन होगी तो यहाँ पे आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी। इसमें आप अगर पार्ट वन का कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो आप 2020 सेलेक्ट करेंगे, पार्ट टू का कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो 2019 सेलेक्ट करेंगे। पार्ट टू है उधर कंपेन 19 आएगी और पार्ट टू लिखेंगे आप। इसके बाद आप सेक्शन चूज़ कर लें, आपके पास जो जो सेक्शन कैंपस में अवेलेबल है, लेट्स से ये 34 है, ये क्लिक हो जाएगा। फीडबैक फर्स्ट फीडबैक 2020 है, इस पर क्लिक करके इसको सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो आपके पास ये फीडबैक फॉर्म ओपन हो जाएगा, फिल द फॉर्म। इस फॉर्म में आपने सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि जो टीचर्स के नेम यहाँ पे आ रहे हैं ये सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्यूटोरियल दिया है कि हाउ टू ऐड अ टीचर एंड रिमूव अ टीचर। ये एग्जामिनेशन ऐड करेगा एग्जामिनेशन के पोर्टल से और फीडबैक फॉर्म में ये ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का बाय डिफॉल्ट यस मार्क हुआ हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट किसी को नो करना चाहेगा तो उसको नो करेगा तो वो नो मार्क हो जाएगा, अगर मार्क नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो एस यस ही रहेगा। ये क्वेश्चन एयर इसको फिलअप करेंगे और एंड पे जाके अगर स्टूडेंट ने कोई रिमार्क्स देने हैं वो रिमार्क्स देगा और इसको सबमिट कर देगा। जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो अब इसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और वो रिपोर्ट आपको एग्जामिनेशन के पोर्टल से मिलेगी। वो एग्जामिनेशन का पोर्टल भी रिपोर्ट के लिए मैं अभी बना देता हूँ कि इसको कैसे करना है। यहाँ पर बेसिक ये चीज़ आपने देखनी है, इसके अंदर ये बेसिक ट्यूटोरियल था कि आपने मेक श्योर करना है कि सब्जेक्ट पूरे हैं और सब्जेक्ट टीचर्स जो नेम लिखे हुए हैं वो ठीक है। और ये कहाँ से वेरीफाई होगा, ये एग्जामिनेशन में जाके ऐड भी किया जाता है वहाँ से और वहाँ से इसको चेंज भी किया जाता है या रिमूव भी किया जाता है। तो फीडबैक कंडक्ट करने के लिए ये एक सिंपल सा जो है वो तरीकाकार है।